अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अज़र रब्बानी कुकिंग विद रब्बानी के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। व्यूअर्स, इस वक्त मैं F7 में खड़ा हुआ हूँ और चाट फूड कॉर्नर के पास खड़ा हुआ हूँ। हम यहाँ पे अक्सर आते हैं और काफ़ी डिफरेंट किस्म की चाट्स हैं इनके पास और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की रेसिपीज होती है, तो मैंने सोचा कि चलें आज आप लोगों को भी मैं बताऊँ कि चाट पे क्या क्या मिलते हैं और वो किस तरह बनाते हैं। तो चलें आए चलते हैं इनकी किचन में और देखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। जी सर, हमारा शुरू से ये है कि हमें तकरीबन 2 साल हो गए हैं हमने स्ट्रीट फूड शुरू किए हुए। हमने स्ट्रीट फूड को ही जो है प्रॉपर रखा हुआ है ताकि लोग जो है सफाई सुथराई की तरफ आजकल ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, हाइजीनिक चीज़ें मांगते हैं। तो आप सब समझते, अब सबको पता है कि आप जब भी स्ट्रीट फूड खाने के लिए जाते हैं तो वहाँ आपको स्ट्रीट्स में सफाई सुथराई हाइजीनिटी कोई चीज़ भी नहीं मिलेगी। हमने उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये सारा प्रॉपर जो है शुरू किया ताकि लोग हाइजीन फूड और स्ट्रीट फूड को इन्जॉय कर सकें। तो आप लोग की स्पेशलिटी क्या है इस वक्त, मतलब जिसके लिए लोग ज़्यादा आते हैं आप लोगों के पास? स्पेशलिटी में हमारी टॉप पे जो है वो चाट्स ही हैं, जो हमारा रिवायती खाना है पाकिस्तानियों का, ट्रेडिशनल फूड। सही। पापड़ी चाट, गोल गप्पे, खट्टे मीठे, इसके अलावा समोसा चाट हो गई। इसके बाद हमारे पास इंडियन डिशेज़ हैं, हैदराबादी डिशेज़ जिसमें वेजी थाली आ गई, जिसमें वेजिटेबल का यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमारे जो डोसाज हैं प्रॉपर इंडियन डोसाज, वो हमारी यूनिक चीज़ है, वो आप बिल्कुल ट्राई करेंगे तो आपको 100% पसंद आएगा। ये मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप हमारा डोसा ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको 100% पसंद आएगा। तो आप लोग के मेन्यू में मैंने एक दफ़ा देखा था कि आप लोग बिरयानी भी? जी बिरयानी भी हम बना रहे हैं। आपने सुना होगा कि कराची बिरयानी का नाम बहुत जी बिल्कुल, हमने उसी को देखते हुए अपनी बिरयानी इंट्रोड्यूस कराई है बिरयानी के नाम पे। सही। इसमें थोड़े से आलू के पीस होंगे, सही, जो ट्रेडिशनल चीज़ें मिलती हैं कराची वाली, जो टेस्ट स्पाइसीज होंगी, बड़ी मज़े की बिरयानी है। ठीक हो गया। और उसके अलावा कुछ अपनी चाट के बारे में आप बताना चाहते हो? सर, मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह विजिट करते रहेंगे इंशाल्लाह। चलें, थैंक यू जी, थैंक यू। व्यूअर्स, मैं इस वक्त चाट के किचन में मौजूद हूँ और हमने 2 डिशेज़ इनको हमने आइटम्स जो हैं वो ऑर्डर्स किए हैं इनकी रिकमेंडेशन पे, कि इनकी पानी पूरी जो है यानी कि गोलगप्पे बहुत मज़े के होते हैं और एक पापड़ी वाली चाट बहुत मज़े की होती है। तो बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा इनका किचन है और मैं आपको इधर इनके अंदर भी लुक दिखा देता हूँ। माशाल्लाह इन्होंने सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा हुआ है। तो हम जावेद भाई से एक चीज़ और भी पूछेंगे कि जावेद भाई, ये जो कोरोना का आया है, प्रोसेस हुआ है, तो इसमें आप लोग ही मेरे ख्याल में काफ़ी ऐसा, आप लोग भी लॉकडाउन की वजह से बंद रहे होंगे? जी सर, सारी दुनिया के साथ हम भी 3 महीने के बाद हमने ओपन किया। हालात इंशाल्लाह बेहतर होते जा रहे हैं बस। तो अभी क्या प्रोग्रेस है, अभी आप लोग क्या समझ रहे हैं कि कुछ बेहतरी आ रही है, कस्टमर्स आते हैं? इंशाल्लाह बेहतरी आ रही है, लोग जो है ना डरना कम हो गया, निकलना शुरू हो गया। चलो, ये तो अच्छी बात है। बस हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी अमान में रखे और इससे महफूज रखे। व्यूअर्स, हमने 2 चीज़ें मंगवाई हैं, एक तो पापड़ी चाट है और एक हमने मंगवाया है गोलगप्पे। चले लेट्स ट्राई और देखते हैं कि कैसा है इनका टेस्ट है, इसको ट्राई करते हैं। गोलगप्पे बहुत जबरदस्त है, एक दिन का टेक्सचर बहुत जबरदस्त है, बहुत क्रिस्पी सी है, ताज़ा ताज़ा से लग रहे हैं। आजकल सावन का महीना चल रहा है, जरा सा भी गोलगप्पा ये जो है ये पुराना हो जाए, ये थोड़ा सा 1-2 दिन पुराना हो जाए तो ये बहुत नरम हो जाता है। तो इसको हम तोड़ के देखते हैं, देखें बहुत क्रिस्पी सा है और इसके साथ जो इन्होंने चटनी बना के दी है वो भी काफ़ी खट्टी मीठी सी है और बहुत मज़े की है और मुझे तो बहुत मज़ा आया है। पापड़ी चाट को भी ट्राई करके देखते हैं कि ये कैसी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत मज़े की है, इसके अंदर इसमें जो दही डला हुआ है वो भी काफ़ी क्वालिटी वाला है, मिसाले बहुत अच्छे डले हुए हैं और एक परफेक्ट पापड़ी चाट है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि जब कभी भी आपका चक्कर F7 का लगे तो आप एक दफ़ा चाट पे ज़रूर आएँ और इनको लाजमी विज़िट कीजिएगा। थैंक यू।